Hey guys, so today gonna discuss about SQL. What is SQL? SQL क्या होता है SQL के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग तो लेट्स गेट started. SQL is a इज query language. क्वेरी लैंग्वेज हम लोगों को सबको पता है कि SQL एक structured क्वेरी लैंग्वेज है और इसके अंदर ना मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं एंड हमारे को कुछ ना कुछ आंसर आता है ठीक है सिंपली ये है इसका मतलब एंड ये कॉमनली हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑल आर डी एम बी बी एम मतलब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस का मतलब कि कोई भी टेबल जो है ना टेबल्स के फॉर्म में ठीक है रिलेटेड डेटा टेबल्स के फॉर्म में हम लोग जो भी होता है ना तो उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं सिंपली नाउ एक्चुअल uh, मतलब, में क्या डिफरेंस है लैंग्वेजेस तो हमारे पास बहुत सारी है लेकिन SQL ही क्यों फॉर तो ये एक नॉन प्रोसीजुअल लैंग्वेज है मतलब कि अगर हमारे पास सेट ऑफ भी पड़े हुए हैं तो वो एक संग ही उसको एक्सिक्यूट करेगा ऐसे नहीं कि पहले पहले वाला करे उसके बाद फिर दूसरा वाला ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर uh, नहीं है इसका मतलब वो प्रोसीजुअल लैंग्वेज नहीं है ये कि एक सीक्वेंस में ही अः uh, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म होगा ऐसा कोई पर, वो नहीं है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज की इट इज अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम लोग जब पढ़ रहे होंगे ना ये वाला पर्टिकुलर कोर्स uh, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये यार एसक्यू तो सिंपली पता है इंग्लिश uh, जैसी लैंग्वेज है क्योंकि हमारे पास क्रिएट नेम की एक कमांड है जिससे हम लोग सिंपली टेबल या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज क्रिएट कर पाएंगे जैसे डेटाबेस डोमेन वगैरह 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 ठीक है एंड ये क्रिएट सही होगा सिंपल मतलब क्रिएट का मतलब क्रिएट बनाने का मतलब क्रिएट है ना और अगर हम लोगों को कोई चीज डिलीट मारने डायरेक्ट डिलीट की कमांड है हमारे पास वैसे ही अगर हमें कुछ कोई चीज सिलेक्ट करना तो डायरेक्ट सिलेक्ट की कमांड है सिलेक्ट लिखोगे और उसके आगे कॉलम का नाम लिखोगे तो आप सिलेक्ट कर पाओगे वो पर्टिकुलर कॉलम को तो मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है जिस वो से से यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को और सेट ऑफ रिकॉर्ड को दोनों को एक एक ही टाइम में हम लोग आ, प्रोसेस कर पा होंगे मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि दो जो डेटा है उसको एक संग इंसर्ट करे तो भी वर्क करेगा एक डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी वर्क करेगा अच्छा रिकॉर्ड्स का यहाँ पे क्या मतलब है रिकॉर्ड्स का मतलब है रोज ठीक है ये जो रोज है ना एक, एक रो फॉर पर्टिकुलर डेटा तो एक एक रो को हम लोग यहाँ पे कह रहे होंगे। कि कोबल uh, लैंग्वेज uh, से डिफरेंट है क्योंकि लैंग्वेज एंड इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा इसका मतलब क्या है क्वेरी लैंग्वेज का यहाँ पे ना मतलब हम लोगों को वर्ड टू वर्ड टू बी डन बताया जाता ना कि हाउ इज टू बी डन मतलब आ, हम लोगों को कैसे करना है ये नहीं बताना क्या करना है डायरेक्टली कमांड दे देनी है कि भाई ना इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं लेकिन डायरेक्टली बोल देना कि चीज कर वो करके देगा ऐसा समझे एक तरह से ना रॉब टाइप जमाना है हमें यहाँ पे लेकिन हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें सिखाना पड़ता था अः हमारे कंप्यूटर को कि ऐसे ऐसे कर यहाँ पे जरूरत नहीं है वो चीज करने की ना नेक्स्ट इज एसक्यू के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड इन लैंग्वेजेस है मतलब अब ना आपको जैसे कि सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन मतलब आपको सिर्फ ये सीखना है कि क्रिएट कैसे करूं मैं आ, टेबल को तो मैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर के कमांड्स पढ़ूंगी सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे ये जानना है कि ये जो क्रिएट कर लिया उसके बाद फिर ये जो इसके अंदर पर्टिकुलर डेटा है उसको इंसर्ट कैसे करूँ या फिर उस पर्टिकुलर डेटा को अपडेट कैसे करूं या फिर उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कैसे करूं तो हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ठीक है और अगर हम लोगों को ये हम लोगों को पता है कि यार आर डी बी एम एस ना एक बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है सिक्योरिटी वगैरह होती है इसके अंदर हम लोग ना डेटा शेयरिंग करते हैं ठीक है ये चीज आपको बतानी चाहिए कि आर डी बी एम एस क्या होता है तो आर डी बी एम एस क्या होता है कि हमारा ना हम लोग इसके अंदर ना डेटा शेयरिंग भी कर रहे होते हैं आपके पास एक अलग इंटरफेस होगा और दूसरा अगर कोई और यूजर है सेम डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है तो उसके पास एक अलग इंटरफेस होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है अच्छा इसके अंदर भी हमारे पास रिवर्क और ग्रांट करके दो कमांड्स होती हैं जिसके अंदर ग्रांट का मतलब ये होता है कि किसी को भी कोई भी एक्सेस देना है हमें तो हम लोग ग्रांट का कमांड यूज कर रहे होंगे और अगर हम लोगों को कोई एक्सेस छीनना है किसी से तो हम लोग रिव्यो का कमांड जो है वो यूज कर रहे होंगे ना एक और मैंने लाइन लिख रखी है यहाँ पे विच इज कि ये आइसोलेट कर देती है यूजर को और स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को मतलब एक कमांड हमने डाल दिया हमने बोल दिया कि भाई ये काम कर कैसे कर रहा है लेट्स ना कुछ इस तरह से समझ लो कि एक एम्प्लॉय है एक बॉस जो है एम्प्लॉय को कुछ भी काम करने के लिए कहता है तो वो पीछे से कैसे भी करके लेके आए लेकिन उसको काम करने के लिए मिल रहा है ना उसका तो उस यूजर को अलग करती है ठीक है पीछे बैकेंड में क्या कुछ हो रहा है कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ एक कमांड दिखनी है और हमारा काम हो गया तो ये आइसोलेट करती है यूजर को और जो पीछे का जो भी स्ट्रक्चर और एल्गोरिद्म है उससे ना नेक्स्ट इज की हमारे पास एस के अंदर ना बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जैसे कि हम लोग डिफाइनिंग uh, कर सकते हैं डेटाबेस की यूज कर सकते हैं उसे सिक्योरिटी वगैरह हम लोग एनहैंस कर सकते हैं सिक्योरिटी क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है तो उसके जरिए हम लोग काफी कुछ कर पा रहे होंगे इंटीग्रिटी मतलब हम लोगों का जो डेटा है वो हमेशा करेक्ट होगा ये चीजें वगैरह चेक कर सकते हैं होते हैं इसके अंदर और डेटा कंट्रोल भी कंट्रोल uh, भी होता है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अभी के लिए गाइस इतना ही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ना डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन ये सब चीजें शुरू करेंगे और ये मैंने एक 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 ये बता रखी है क्या कहते हैं डिफरेंस टाइप्स कुछ तो है ठीक है अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ये भी पढ़ सकते हो ये इसके अंदर ना मतलब और माई एस क्यूएल ये सब चीजें इसी में आती है हम लोग जो पढ़ेंगे ना हम लोग आर डी एम जो जो यूज कर करने वाले होंगे एस क्यूएल जहाँ पे भी हम लोग चलाएंगे मतलब एक्चुअली में एस क्यू तो एक लैंग्वेज है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए होगा ना हमें तो उसके लिए हम लोग माई एस क्यूएल यूज करने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वो यूज मतलब कैसे डाउनलोड करना है वो सिखाऊंगी एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ठीक है चलो गाइज आज के लिए इतना ही होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूं बाय uh, so,